मैंने ना बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, थिएटर प्ले, वो सब कुछ करा है, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए जो कॉन्फिडेंस ये है ना यार, वो अदर लेवल है। हैट्स ऑफ उन लोगों को जो लोग व्लॉग बनाते हैं। ये हमारे वॉचमैन भी हैं, है करो भैया। गुड गुड मॉर्निंग, कितने बज गए? पाँच मॉर्निंग। पाँच सुबह के जिम के बाद मैं पूरा दिन इतना स्लीपी रहा, इतना स्लीपी रहा कि व्लॉग तो छोड़ो, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। हाय गाइस, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ। शायद रात को जो प्री वर्कआउट भी किया, वर्कआउट कर रहा था, उसका असर है। खैर अभी मैं कई दिनों से सोच भी रहा था कि सुबह सुबह वर्कआउट करें, और जब जो लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको सुबह सुबह नींद नहीं आती है, तो सॉरी जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो एक दिन उनको बर्बाद जरूर करना पड़ता है अपना, मतलब पूरी रात जग के सुबह वर्कआउट करके फिर अगले दिन रात को सोना होता है। तो लगता है आज वही डे है। जिम मेरा 6 बजे खुलता है। मैं सोच रहा हूँ नीचे जाऊँ, यहाँ पे एक चाय की टपरी, बड़ी मशहूर टपरी है, वहाँ एक चाय पीऊँ, घर आऊँ, फ्रेश हूँ, दोबारा प्री वर्कआउट पीऊँ और वर्कआउट करने जाऊँ। क्या बोलते हो गाइस? थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ बिकॉज घर वाले सो रहे हैं उस कमरे में। चाय पीने चलते। सब लोग जग गए हैं, ये हमारे वॉचमैन भी हैं, है करो भैया। गुड मॉर्निंग, कितने बज गए? पाँच पाँच बज गए जी, 5 बज गए। देखो ये दूध वाले भैया भी यहाँ पे आ गए। देखो यहाँ पे दूध कुछ भी हो जाए भाई साहब, ये सुबह 4 बजे जरूर दस्तक दे देते हैं। वैसे सुबह 4 बजे के आसपास बहुत कम लोग ही हो पाते हैं, जग पाते हैं। सॉरी 5, देखो अभी 4 बज रहे, 5 बज रहे, मुझे कुछ होश ही नहीं है। तो ये चले भाई हम अपनी सवारी। तो गाइस ये वो शॉप है जहाँ मैं पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया चाय, बहुत ही उम्दा चाय। सुबह 4 बजे ये शॉप खुल जाती है। सर हेलो बोलो मेरी ऑडियंस को। मैं कब से आ रहा हूँ, 4-5 साल से आ रहा हूँ आराम से। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और यकीन मानिए मैंने इनसे बढ़िया चाय आज तक पूरी मुंबई में कहीं नहीं पी। बहुत बढ़िया है। कभी भी आप गोरेगांव आना, जरूर आना इस चाय के सेंटर में, बहुत ही उम्दा चाय। सो गाइज अभी देख रहे हो जिम खुलने में अभी है 1 घंटा और, तो अभी बस यहाँ पे चाय पीऊँगा, घर जाके हम फ्रेश होंगे, दोबारा से प्री वर्कआउट पियेंगे। बोलने के लिए कुछ ज़्यादा डायलॉग्स है नहीं, तो दोबारा प्री वर्कआउट पी के दोबारा जिम जाएंगे। तब तक के लिए इंजॉय करता हूँ अपनी टीम। सो गाइस जिम के लिए मैं हो चुका हूँ तैयार। अंकित जिसको आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा था वो भी रिकवर हो गया है कोविड से, और आज वो भी जिम आ रहा है मेरे साथ। एक्चुअली 2 दिन से हम साथ में जिम वर्कआउट कर रहे हैं, बट कवर नहीं किया था यार। एक बात मैं आपको बताऊँ, मैंने ना बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, थिएटर प्ले, वो सब कुछ करा है, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए जो कॉन्फिडेंस ये है ना यार, वो अदर लेवल है। हैट्स ऑफ उन लोगों को जो लोग व्लॉग बनाते हैं, मतलब इतना सब कुछ थिएटर करने के बाद भी मैं कहीं पर इतना कॉन्शियस हो जाता हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। व्लॉग के साथ रहकर शायद मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ। बाय द वे अब आपको मैं वो प्री वर्कआउट दिखाऊंगा जिसको पी के मैं कल पूरी रात नहीं सो पाया। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे, क्या लग रहा है जैसे हमने फिश पी लिया यार। मेरी ना ओवर एक्टिंग हुआ ना, थोड़ा ना इग्नोर करना, ऐसी ही थोड़ा है ना, उसको भी देखते हैं मस्त करके जिम में जाके तगड़ा वर्कआउट करते हैं। एंड गाइस एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय ये ब्लॉग ऑन एयर होगा, यूट्यूब पे होगा, मेरे फ्रेंड्स के अलावा जो मुझे नहीं जानता होगा और जो मेरा उस समय मेरा सब्सक्राइबर होगा, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गजब का। मैं उस एक शख्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा जो मेरे फ्रेंड्स में से सब्सक्राइबर नहीं होगा, कोई तीसरा होगा। तो
अगर इस समय तक मेरा कोई ऐसा सब्सक्राइबर है जिसको जो मुझे नहीं जानता, प्लीज कमेंट जरूर करना यार, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करूँगा। और देखना नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो टाइम लगेगा थोड़ा, बट करेंगे यार, अच्छे से करेंगे यार। और होप सो यार सुबह जिम जाने की याद हो गया ना, सबसे बढ़िया वही है, सुबह की जिम से बढ़िया और कुछ नहीं है। सुबह का वर्कआउट करके आते हैं, आगे दिन के बहुत सारे काम ये भी आपको दिखाएंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, तो अभी सुबह के जिम के बाद मैं पूरा दिन इतना स्लीपी रहा कि व्लॉग तो छोड़ो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। सो अभी मेरी शूट की रैकी ख़त्म हुई है और अब यकीन मानिए मुझे इतनी नींद आ रही है, बट मुझे अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करना है। सो मैं यहीं पास के एक मॉल में आया हूँ यार। मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब तक मैं कॉफ़ी ना पीऊँ ना, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए अभी मैं फटाफट मॉल में आऊँ, जल्दी से हम एक बढ़िया सा एक्सप्रेसो शॉट कॉफ़ी का पियेंगे और उसके बाद आगे मुझे अपना लैपटॉप कैरी करते हुए जाना है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। होगा क्या यार, कॉफ़ी पीऊँगा, घर जाऊँगा, थोड़ा काम करूँगा और सो जाऊँगा। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है आज कुछ और करने के लिए। कॉफ़ी लेते हैं, लैपटॉप उठाते हैं और गुड नाइट। उसके बाद एक आइस अमेरिकानो जिससे मेरी नींद खुल जाएगी और थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं दूसरे काम पर भी लग सकता हूँ। कुछ दो चार मिनट लगेंगे कॉफ़ी आने के लिए और मैं उन कॉफ़ी हॉलिक में से एक हूँ जिनको अगर पूरे दिन में कॉफ़ी ना मिले तो वो पूरे दिन में चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आज पूरे दिन से यार कैफीन लिया ही नहीं, बस वो जो प्री वर्कआउट जो पिया था उसी में जो कैफीन मिला वही कैफीन मिला होगा। तो कैफीन बहुत ज़रूरी है भाई, अगर कैफीन नहीं मिलेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है लाइफ में। तो बिल्कुल मेरी कॉफ़ी आ गई है मेरे पास में एंड थैंक यू सो मच। सो गाइस एंजॉय माय कॉफी, इसमें उल्टा दिख रहा हो। यस, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।